हाय दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे क्लास 10th का मैथ चैप्टर नंबर तीसरा। चैप्टर नंबर तीसरा शुरू करेंगे आज हाई स्कूल का गणित अध्याय तीसरा। यह तीसरा त्रि बी, ठीक है। हमारा क्वेश्चन है कि समीकरण 7x, प्लस 2y प्लस 2i बराबर 22, ठीक है। में यदि y बराबर 1/2, तो x का मान ज्ञात करना है, यानी x बराबर क्वेश्चन मार्क। बोला है समीकरण 2x + 2i 7x + 2i बराबर 22, तो y बराबर 1/2, तो x का मान निकालिए, ठीक है। हम जो y का मान 1/2 दिया है, तो मान लीजिए 7x + 2y बराबर 22। ये समीकरण नंबर पहला हो गया, ठीक। समीकरण नंबर पहला अब लिखेंगे, ये क्या दिया, y बराबर 1/2। समीकरण नंबर दूसरा अब लिखेंगे, समीकरण एक में, y बराबर 1/2 रखने पर, समीकरण ये है पहला, ये y बराबर 1/2, लेकिन जहाँ y दिया वहाँ पर 1/2 रखना है। समीकरण नंबर पहला ये है, तो 7x + 2y बराबर 22, उनको y की जगह 1/2 रखना है, तो 7 × x हो जाएगा ऐसे ही, प्लस 2 × y की जगह कितना है, y की जगह 1/2 बराबर 22, ठीक है। और क्या होगा, 7x ऐसे हो जाएगा, कितना होगा, अपन मानते हैं 2 × 2 = 2, 2 × 2 बराबर 22। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, छोड़ दीजिए, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा, एक एक बचेगा। क्या करेंगे, 7x + 1 बराबर 22, ठीक है। अब क्या करेंगे, 7x, क्या 7x बराबर 22 माइनस प्लस 1 है ना, पक्षांतर करेंगे तो -1 हो जाएगा, -1 बराबर कितना होगा, 21, यानी 7x बराबर 21, तो x बराबर 21/7, 7 × 21, यानी x बराबर 3 आ गया, ठीक है। क्या किए हैं, समीकरण ये पहला है, ये दूसरा मान लिया है। तो समीकरण एक में जो है y का मान दे दिया है, तो y का मान जो है समीकरण एक में रखे हैं, तो x का मान 3 निकल गया है, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए आप, सवाल नंबर पहला था 3B का पहला। हो गया, ठीक है।
दूसरा क्वेश्चन है, हल हल करना है इसको। सन का पाला दिया है, पाला 2x+3y, 2x+3y बराबर 7, ठीक है। और दिया है y+3 दिया है, y+3 बराबर 0, ये दिया है। कर रहा है हल कीजिए, अगर 2x+3y बराबर 7 और दूसरा समीकरण y+3 = 0, मान लीजिए समीकरण नंबर पहला हो गया, ये समीकरण दूसरा, इसी को हमको हल करना है। क्वेश्चन दूसरा है, दोनों समीकरण अलग अलग है, इसी को हल करना है। तो लिख लेंगे, इसे ही लिख लेंगे ना, 2x मार्कर चल नहीं रहा है, 2x+3y, टू ये टू है, 2x+3y बराबर 7 समीकरण नंबर पहला, और y+3 = 0 समीकरण नंबर दूसरा। अब क्या करना है हमको पता है आपको, समीकरण ये पहला है, समीकरण दूसरा है, ठीक है, ठीक है ना। हमको ऐसे करना है कि गुणा करने पे कितना आ जाए, उस छोड़ दीजिए आप, अभी ऐसे सिंपल से कर दीजिए, जिसको पहले किए हैं वाई का मान निकाल दिए हैं, फिर वाई का मान जो निकला है पहले समीकरण में पुट कर दिए हैं, यानी रख दिए हैं, ऐसे ही कर ले रहे हैं। तो क्या होगा, वाई का मान निकालिए इससे, तो क्या होगा, वाई बराबर, ऐसे समीकरण मत बनाइए अभी, तो क्या होगा, वाई बराबर ये +3 में है ना, जब पक्षांतर के उधर जाएगा तो क्या होगा, पक्षांतर होगा तो -3 हो जाएगा, ठीक है। समीकरण नंबर दूसरा इसको मानिए, ठीक है, वाई का मान कितना है -3, और -3 रख दीजिए इस समीकरण में। तो लिखिए समीकरण एक में, समीकरण एक में वाई बराबर -3 रखने पर, बोला समीकरण एक यही है, समीकरण एक में वाई बराबर -3 रखने पर, यानी वाई का मान जो है -3 है, जहाँ जहाँ इसमें वाई है वहाँ पर -3 रखना है। तो समीकरण पहला कितना है, समीकरण पहला है 2x+3y = 7, इसी में हमको वाई का मान रखना है, तो 2x+3 वाई यहाँ पे दिया है, तो वाई इंटू इसके और इसके बीच में इंटू का चिन्ह होता है, तो 3 × y का मान दिया है -3 = 7, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2x प्लस नहीं कर, देखिए प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस, तो माइनस कर दिए, और 3 × 9 = 7, ठीक है। और 2x = 7 + 9, 7 + 9 हो जाएगा तब 2x = 16, 2x = 7 + 9 यानी बराबर 16, या x = 16/2 यानी 2 × 8 = 16, x = 8, ठीक है। x का मान निकल गया हमारा 8, y = -3 रखें समीकरण फर्स्ट में, तो x का मान 8 निकल गया है, 2x + 3y = 7 समीकरण नंबर पहला, y + 3 = 0, और y का मान हम -3 समीकरण फर्स्ट में रखे हैं, तो x = 8 आ गया है। नोट डाउन कर लीजिए, x = 8। वाई का मान दिया ये डाल, अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन है समीकरण वन अपान एक्स, वन अपान एक्स प्लस फाइव अपान वाई, फाइव अपान वाई बराबर थ्री, थ्री एक्स बराबर टू, एक्स बराबर टू दिया है। वही सवाल फिर करना है, ये समीकरण नंबर पहला है और एक्स बराबर टू इसमें रखना है, टू रखेंगे तो वाई का मान निकालना है। सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन मान लिए, ये समीकरण नंबर पहला है, हल मान लीजिए, हल दीजिए तो लिख लेंगे हल, वन अपान एक्स प्लस वन अपान वाई बराबर थ्री, समीकरण नंबर पहला हो गया, ठीक है। तो लिख लीजिए समीकरण एक्स बराबर दिया या एक्स बराबर टू, समीकरण एक में एक्स बराबर टू रखने पर, समीकरण एक में एक्स बराबर दो रखना है, एक्स बराबर दो दे दिया है तो समीकरण एक में एक्स बराबर टू रखना है। तो अब रखिए यहाँ पे पहले समीकरण लिख लीजिए, समीकरण पहला एक ही ना, तो वन अपान एक्स प्लस वन अपान वाई बराबर थ्री, यानी जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे वहाँ टू लिखेंगे, तो हो जाएगा आपका वन अपान टू प्लस वन अपान वाई बराबर थ्री, ठीक है। अब क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे हम, तो क्या होगा वन अपान वाई, आप ऐसे कर सकते हैं सर, इसको इस बगल भेज सकते हैं, वन अपान टू प्लस में तो क्या होगा माइनस थ्री बराबर, इसको इस बगल भेजेंगे माइनस वन अपान वाई हो जाएगा, ठीक है। इस बात क्या करेंगे हम, इसको वन मान लेंगे तो ऐसे में इसका हो जाएगा टू एल सी एम, दो कहने दो हो जाएगा, कटेगा यानी दो कहने दो एक, यानी एक हो पा एक माइनस दो कहने दो, दो तीन छः बराबर एक बटा वाई माइनस एक बटा वाई, ठीक है। इसका एल सी एम लिए दो और एक एल सी एम दो, और दो से भाग दिए हैं, दो कहने दो एक हुआ है, फिर एक से ऊपर से गुणा किए हैं, एक कहने एक हो जाएगा, फिर माइनस का माइनस एक दो ना दो और दो तीन छः, छः हो गया। अब छः में से एक जाए, सिक्स में से वन जाए, फाइव माइनस फाइव होगा अपान टू बराबर माइनस वन अपान वाई, ठीक है, वन अपान वाई, तो क्या होगा, तो कर लेंगे अब वाई बराबर प्लस प्लस फाइव इंटू टू या वाई बराबर टेन, निकल गया। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।